हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर नंबर 24। इससे पहले हमने 23 पेपर डिस्कस कर लिए हैं, तो जिन्होंने भी वो डिस्कस नहीं किया, सॉल्यूशन नहीं किया है, या उन वीडियो को आपने पहली बार देखा है, इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हो, तो उन वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और उनकी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सोल्व कर सकते हो। साथ ही साथ आपका एग्जाम बहुत पास है, तो इसके लिए हमने हैंडबुक तैयार कर दिया है जिसमें पूरा सिलेबस को कवर किया गया है। ठीक है, जो आप 24 घंटों में पूरे सिलेबस को कवर कर सकते हो, रिवीजन कर सकते हो, जिससे कि आप अपना स्कोर इंक्रीजेस कर सकते हो। यहाँ पे उसका आपको बायोलॉजी का मिल जाएगा, केमिस्ट्री का भी, और साथ ही साथ आपको फिजिक्स का भी सोर्स नोट्स मिल जाएगा जिसमें सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, और वो भी आपको ओनली ऑन 149 प्राइस में। ठीक है, 149 रुपये में वो आपको मिल जाएगा, जो आपको स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर से कॉन्टैक्ट करने पर विद इन 2 मिनट्स में आपको पेमेंट करने के बाद आपके व्हाट्सएप पर PDF के रूप में भेज दिया जाएगा, जिसे आप कहीं भी रीड कर सकते हो, क्योंकि अभी भी आपके पास सफिशियंट टाइम है रिवीजन के लिए। तो आप पैरामेडिकल के स्टूडेंट हो तो आपके काफ़ी आपके पास टाइम है, आप बार बार रिवीजन कीजिए ताकि आप एक साल बचा के अपनी एक अच्छी कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो चलिए, आज जिस भी स्टूडेंट्स को लेना हो या अपने परचेज करना हो तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए या व्हाट्सअप कर सकते हैं। वहाँ से पेमेंट करने के बाद 2 मिनट के बाद आपको PDF दे दी जाएगी। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और ये पेपर अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दोनों मीडियम में पेपर अवेलेबल है। यदि आपको किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा हो, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में है, तो यदि हिंदी में कुछ आपको प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप इंग्लिश मीडियम में से पढ़ सकते हो। ओके, तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहां पे पहला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 181 का क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसूति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो 121 में क्या आंसर आएगा, तो 181 में आपका जो आंसर आने वाला है वो आपका आंसर आएगा बी। ठीक है, तो जिब्रेलिक एसिड यहाँ पे आंसर आएगा। नेक्स्ट हम 182 को डिस्कस करेंगे, एंटेरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर जाएगा 182 में आपका आंसर जाएगा सी। ओके, इसी तरह से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक और शाम को वीडियो आएगा सी टेस्ट सीरीज पे जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, जस्ट हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 183 में क्या आंसर जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो चारों ऑप्शन है, इसमें चारों को मिलान करना है, तो क्या आंसर जाएगा इसमें 183 में जो यहाँ पे आंसर जाने वाला है वो आंसर जाएगा आपके थर्ड। ठीक है, थर्ड आंसर यहाँ पे, सॉरी, थर्ड ऑप्शन से यहाँ पे सही होगा, ये थर्ड ऑप्शन आपके यहाँ पे सही होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, 184 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पूछा गया है कि ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, घनाकार उपला पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है, बॉर्डर, ब्रूस बॉर्डर वाली घनाकार उपला किसमें पाई जाती है, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें 184 में आपका आंसर जाएगा वो डी आंसर जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आंसर जाएगा, डी आंसर यहाँ पे जाने वाला है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे 185 क्वेश्चन की, तो 185 में क्या आंसर जाएगा। यहाँ पे पूछा गया है, एक मिश्रण में DNA खंडों को किसके द्वारा पृथक किया जाता है, तो किसके द्वारा किया जाता है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो इसमें जो आंसर जाएगा 185 में क्या आंसर जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो बी आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके, तो बी आंसर यहाँ पे जाएगा, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, ऐसी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। 186 की हम बात करेंगे, पुनर्योजी DNA तकनीकी में प्रतिजीवकों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है, ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है यार। 186 में क्या आंसर जाएगा, तो 186 में आपका सी आंसर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे इजी क्वेश्चंस को आपको गलत नहीं करना है, 186 में सी जाएगा। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे 187 में, तो 187 में क्या जाएगा, ये प्लांट फिजियोलॉजी से क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। 187 में क्या आंसर जाएगा, यहाँ पे डिस्कस किया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो जो गलत होगा वही यहाँ पे सही ऑप्शन होगा, तो कौन सा गलत होगा, क्या ए गलत है, क्या बी, क्या सी, देखो यहाँ पे ए गलत आंसर है। ओके, ए ऑप्शन यहाँ पे गलत आंसर है। ओके, अब बात करेंगे 188 की, तो 188 में क्या आंसर जाएगा, 188 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा लिएसी का सही पूर्व सूत्र है। अरे भाई, ये तो NCERT की लाइन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है यार, जिसने भी NCERT पढ़ी है वो सोल्व कर लेगा। क्या इसमें सी आंसर जाएगा, बिल्कुल सी आंसर जाएगा। ओके, उसके बाद में 189 का हम डिस्कस करेंगे, तो 189 में क्या आंसर जाएगा बताइए। यहाँ पे डिस्कस किया है, प्रसूत बीजों की निरोधी पदार्थ को निम्नलिखित में से किस उपचार में नहीं निकाला जा सकता, तो चार आंसर है, चार ऑप्शन है इसके बीच में, तो चारों में से कौन सा आंसर जाएगा, 184 में क्या आंसर जाने वाला है, 184 में आपका, सॉरी 189 में आपका आंसर जो जाने वाला है वो जाने वाला है
बी आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके 190 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। वायु अशोषण के दौरान पाइरेट डिहाइड्रोजनेस कार्यशीलता किसकी आवश्यकता होती है, किसकी होती है, लो कार्बोनेट, मैग्नीशियम या कैल्शियम, तो क्या आंसर जाएगा इसमें 190 में, क्या आंसर जाएगा, तो 190 में आपका जाएगा आंसर सी, सी आंसर यहाँ पे राइट जाएगा। ओके तो चलिए 190 क्वेश्चन हमने डिस्कस करिए, अब 191 हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो नीचे दिए गए चित्रों में से पहचान कीजिए, तो किसका, ये भी बहुत एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है यार, ऐसी बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके तो ये हमारे जो है हैंडबुक में भी आपको सारे डायग्राम मिल जाएंगे सारी चीज़ें, तो मतलब हैंडबुक पढ़ के भी आप इस पेपर को सारे क्वेश्चन सही कर सकते हो, क्योंकि इसमें सारा पूरा सिलेबस कवर किया गया है, जिसे आप इजीली पढ़ के आप जो अपने एग्जाम में दे सकते हो। तो चलिए 191 में क्या आंसर जाएगा, तो 191 में आपका बी आंसर जाएगा। ओके उसके बाद 192 को हम डिस्कस करेंगे, तो 192 में क्या आंसर जाएगा बताइए, निम्न कथनों में से सावधानी पूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। तो चार ऑप्शन है, कैस्पियन पट्टिका परिणाम में पाई जाती है, एनसीईआरटी लाइन है, अधिकांश एबीसी पात्रों में फ्लोएम पेरिंकाई में उपस्थित होती है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 192 में आंसर जाएगा आपका सी, सी आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके अब यहाँ पे 193 को हम डिस्कस करेंगे, तो 193 में क्या आंसर जाएगा, उस पादप उत्तक को पहचाने पे हम डिस्कस करेंगे 193, ठीक है। 193 वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, तो इसमें क्या आंसर जाएगा, इसमें ए आंसर जाएगा। ओके ए आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके अब हम बात करेंगे 194 में, तो 194 को क्या ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी डी। ओके तो इसमें से क्या आंसर जाएगा आपका बताइए, तो 194 में क्या आंसर जाएगा, तो 194 में आपका आंसर जाएगा ए, ठीक है, तो आपका ए आंसर 194 में जाएगा। ओके तो 194 में आपका ए आंसर जाएगा। ओके उसके बाद में बात करें 195 में, तो 194 में आपका ए आंसर हो गया, 195 को हम डिस्कस करेंगे। ओके तो 195 में आपके पास फिर चार ऑप्शंस हैं, इसमें पूछा गया कि गलत युग्म मिला रहता है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं यार, ऐसे बिल्कुल गलत नहीं करना है। 195 में आपका सी आंसर जाएगा। ओके ये बहुत बार एनसीईआरटी में है यार, एनसीईआरटी की लाइन है ये। ओके 195 में सी आंसर आएगा। उसके बाद 196 को हम डिस्कस करेंगे, यदि तने से रस धारु को उठा दिया जाए तो निम्न में से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावित होगा, कौन सा होगा भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन है, इंग्लिश मीडियम पढ़ोगे बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। स्टेम को हटा देंगे क्या, क्या भाई, क्या द्वितीयक वृद्धि या सहारा या सहवन, कौन सा सपोर्ट हटेगा या क्या हटेगा, सेकेंडरी ग्रोथ हटेगी क्या, तो 196 में जो आंसर जाने वाला है वो जाएगा आपका डी आंसर, आपका सही आंसर जाएगा। ओके तो यहाँ पे डी आंसर ये आपको रट लेना है भाई, ये रट लेना है, दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। 197 में आपका क्या जाएगा, देखो एक कौन सा एक खाने योग्य भूमिगत तने का उदाहरण नहीं है, तो देखो पहले प्याज क्या है, प्याज है या नहीं है, 197 में देखो ए मतलब अदरक भूमिगत है कि नहीं, प्याज कहाँ उगता है, जमीन में, अदरक जमीन में, हल्दी ये भी, तो कोल्चिकम यहाँ पे आंसर जाएगा। ओके तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे जाएगा। ओके नेक्स्ट हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 198 को हम डिस्कस करेंगे, तो यहाँ डायग्राम दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा इजी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या आंसर जाएगा यहाँ पे 198 में, तो 198 में यहाँ पे सी आंसर जाएगा। ओके 198 में यहाँ पे सी आंसर जाएगा। ओके चलिए 199 को हम डिस्कस करते हैं। 199 में देखो यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, जड़ के लंबवत, ये थोड़ा छोड़ देना क्योंकि बहुत हार्ड क्वेश्चन है, इसमें आंसर मैं बता देता हूँ, 199 में ए आंसर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो है वो टाइम टेकिंग होते हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप सबसे लास्ट में करो। ओके लेकिन इजी क्वेश्चन है, वैसी बड़ी बात नहीं है। इसमें पूछा गया एक जड़ की लंबवत कार्ट में दिखाई देने वाले निम्न क्षेत्रों में से पूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो ठीक है, तो इसमें ए आंसर जाएगा। ओके अब 200वें क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, चने व मटर जैसे पौधों को परिपक्व बीज पूर्ण पोषण धारण नहीं करते हैं, क्योंकि क्यों, क्योंकि ये आवर्त पौधे होते हैं। देखो चने और मटर तो एकलिंगी द्विलिंगी पादप कौन सा होता है, तो दोनों में डिफरेंस बताइए, तो इसमें जो आंसर जाएगा वो डी आंसर जाएगा, ठीक है, डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। ओके तो आई होप ये सब चीज़ें मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, 100 यहाँ पे डिस्कस किया मैंने, 181 से 200 के बीच, इससे पहले हमने जो पेपर सॉल्व करवाया उससे 160 से लेकर 180 तक करवाया, उससे पहले और भी 130 से 150, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, पेपर हमने डिस्कस किया है जिसमें 200 क्वेश्चन थे। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक है, प्लेलिस्ट लिंक है टेस्ट सीरीज की, उसमें आज जाके देख सकते हो, और साथ ही साथ जो स्टूडेंट हैंडबुक लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे नंबर से आप हैंडबुक ले सकते हो, जिसमें सारा सिलेबस आपका कवर किया गया है। इस पेपर को यदि उस हैंडबुक को भी
पढ़ के आप ये पेपर सोल्व करोगे तो सारे के सारे क्वेश्चन सही कर दोगे यदि आपने अच्छे से पढ़ा तो। ठीक है, तो अभी भी आपके पास रिविजन करने के लिए टाइम है, क्योंकि 24 मतलब 24 घंटे में उस बुक को पढ़ के आप सारा केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी का रिविजन कर सकते हो। तो आई होप ये सब चीज़ समझ में आ चुका। तो जिन स्टूडेंट्स को हैंडबुक लेना हो तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर ले सकते हो, उसका चार्जेस ओनली 149 है जो आप कभी खर्च कर देते हो। ठीक है, तो ज़्यादा चार्जेस भी नहीं रखा गया है, 149 उसका चार्ज है। ओके, जो आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में व्हाट्सएप पे मैसेज करना है, 2 मिनट के अंदर आपको जैसे पेमेंट करोगे तो मिल जाएगा। थैंक यू गाइस, आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।